तो 2022 ख़त्म होने को आया है एंड एमसीयू की हमने बहुत सी नई मूवीज़ भी देखी है। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की रैंकिंग को अपडेट करने की। इस वीडियो में हम 10 सबसे ताकतवर एवेंजर्स की बात करेंगे। इस रैंकिंग में विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई सुपर हीरो कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड बैटल में किस हिसाब से परफॉर्म करेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं सुपर हीरोज़ की बात करेंगे जो सबसे पावरफुल है या फिर हम उन्हीं सुपर हीरोज़ की बात करेंगे जो फाइटिंग में अच्छे हैं। ये ऑल कम्बाइन है, यानी इन दोनों को मैंने मिक्सडअप कर दिया है, जिस वजह से यह रैंकिंग और भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। और देखते हैं 2022 के लास्ट तक कौन से ऐसे सुपर हीरोज़ हैं या कौन से ऐसे एवेंजर्स हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्पेशल मेंशन नंबर 11 एंटमैन के लिए। एंटमैन के बारे में आपको पता ही है कि किस तरह अपने सूट की हेल्प से वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर सकता है, जैंटमैन बन सकता है या बहुत स्मॉल हो सकता है। लेकिन हाँ, मेन रैंकिंग में ये नहीं है क्योंकि नंबर 10 वाला सुपर हीरो इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, यानी नंबर 10 स्पाइडरमैन। तो बेसिकली जैंटमैन से ज़्यादा आगे ये इसीलिए है क्योंकि सिविल वॉर में भी यही था जिसने जैंटमैन की इस फॉर्म को तोड़ा था। ऊपर से अगर एंटमैन छोटा भी हो जाता है तो स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस है जिनकी हेल्प से वो इजीली उसे डिटेक्ट कर सकता है। इन सब बातों से स्पाइडी एंटमैन से ज्यादा आगे है। तो एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद उसे एबिलिटी मिली है जिसके बाद वो आराम से स्पाइडर्स की तरह दीवार पे क्रॉल कर सकता है एंड उनकी तरह वेब शूटर्स निकाल सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्पाइडी आयरन मैन के बिना कुछ नहीं कर सकता और उसके बिना लिस्ट में भी नहीं आ सकता, तो वो बात भी गलत है क्योंकि उसके बिना भी वो बहुत पावरफुल है। नंबर 9 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है जिसे ये एबिलिटी मिली है सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। पहले वो एक दुबला पतला इंसान था लेकिन अपने देश के लिए उसने कुछ करना था इसलिए वो कैप्टन अमेरिका बना। बेसिकली कैप की पावर्स हैं कि उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत एनहेंस्ड हो गई है एंड सुपर ह्यूमन पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके साथ कैप्टन अमेरिका कमाल का फाइटर भी है एंड वो बहुत से फाइटिंग स्टाइल्स जानता है एंड उन्हें मिक्सअप करके भी लड़ाई कर सकता है जैसा उसने आयरन मैन के खिलाफ किया। इसके अलावा उसके पास उसकी वाइब्रेनियम शील्ड है जिस शील्ड की हेल्प से वो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में अटैक करता है। इस शील्ड को इस तरह से बनाया गया है कि कैप अगर ढंग से यूज करे तो अटैक करने के बाद ये शील्ड उसके पास अपने आप वापस आ जाएगी। नंबर 8 हल्क। तो कॉमिक्स में तो हल्क का दूसरा नाम स्ट्रेंथ है लेकिन एमसीयू वाले से कमजोर करते हैं। ब्रूस बैनर एक सिंपल सा साइंटिस्ट जो अचानक एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने अंदर गामा रेडिएशन भर लेता है एंड उसके बाद उसके पास कमाल की पावर आ जाती है एंड वो बन जाता है द हल्क। हल्क की मेन पावर है स्ट्रेंथ एंड वो सिर्फ तोड़ना जानता है। ऊपर से इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर भी बहुत मजबूत है। हल्क के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, मतलब अगर इसके बॉडी के पार्ट को कुछ भी हुआ हो तो अपने आप रीजनरेट हो सकता है। इनक्रेडिबल हल्क मूवी में इसने अपने से 2 गुना ज्यादा बड़े एबोमिनेशन को हरा दिया था। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कैप को आपको हल्क के ऊपर रखना चाहिए तो वो लोग गलत हैं, क्योंकि हल्क कैप्टन अमेरिका से फाइट में जीत जाएगा एंड उससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि हल्क की पावर गुस्से के साथ और बढ़ती जाती है। हल्क बस्टर जैसा इतना पावरफुल आर्मर भी हल्क को बहुत मुश्किल से ही रोक पाया था, वरना हल्क को रोकना नामुमकिन लग रहा था। हल्क लिटरली कुछ भी तोड़ सकता है इसलिए कैप्टन अमेरिका उसके आगे आया तो वो उसे भी हरा देगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हल्क कैप से ज्यादा आगे है। नंबर 7 शैंग-ची। तो शैंग-ची एक कमाल का कुंफू फाइटर है, वो बच्चा जिसने 14 साल की उम्र में ही अपनी सारी ट्रेनिंग खत्म कर दी थी एंड कमाल की पावर्स रखता है, वो है शैंग-ची। शैंग-ची के डैड यानी वेनवू के पास 10 रिंग्स हैं जो कि अब शैंग-ची को मिली है। 10 रिंग्स अपने यूजर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेलीपैथिकली कंट्रोल एबिलिटी देते हैं एंड प्रोजेक्टाइल जनरेशन देते हैं। इसके अलावा वेनवू तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में इन 10 रिंग्स का यूज भी कर रहा था वॉर्स में, तो अगर शैंग-ची भी वो कर पाता है तो वो पावरफुल हुआ। ऊपर से शैंग-ची की माँ भी कुछ कम नहीं है, उसके पास एयर मैनिपुलेशन नाम की एक औसम एबिलिटी थी यानी एयर को मैनिपुलेट करना एंड वो सेम एबिलिटी शैंग-ची के पास भी है एंड अपने माँ और बाप के इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही शैंग-ची बहुत पावरफुल एवेंजर बन के आएगा। नंबर 6 विजन। तो विजन एक रोबोट है, वो परफेक्ट बॉडी जो अल्ट्रॉन को चाहिए थी जो पूरी तरह वाइब्रेनियम से बनी हो। विजन के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है यानी माइंड स्टोन एंड यही इसकी पावर का सोर्स भी है। विजन इस स्टोन की हेल्प से एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर पाता है। वाइब्रेनियम बॉडी होने की वजह से इसकी बॉडी बहुत रफ एंड टफ थी एंड इसी ने अल्ट्रॉन को इंटरनेट से इरेज किया था। खुद सोचो कि जो परफेक्ट बॉडी अल्ट्रॉन को चाहिए थी वो आखिरकार कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल एंड पावरफुल होगी। इसके अलावा विजन की एक और खास एबिलिटी थी और वो थी इसकी एंटी फेजिंग एबिलिटी, जिसकी हेल्प से ये चीज़ों के आर पार जा सकता है वो भी बहुत आराम से एंड यही सब एबिलिटीज़ इसे नंबर 6 पे ला के रखती हैं। नंबर 5 आयरन मैन। तो एक घमंडी बिलियनेयर जिसे बाद में ये बात रियलाइज होती है कि उसके हथियारों का बहुत गलत यूज़ किया जा रहा है एंड वो बनता है आयरन मैन। आयरन मैन ने अब तक बहुत से पावरफुल आर्मर्स को बनाया है लेकिन उसके 2 सबसे ताकतवर आर्मर है ब्लीडिंग एज आर्मर एंड मार्क 85। आयरन मैन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है उसका दिमाग, वो अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकता है एंड किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करने का दम रखता है।
आयरन मैन ने बहुत कमाल के एआई जार्विस एंड एडिथ का आविष्कार किया था एंड ऊपर से इसी ने अल्ट्रॉन को बनाया था। आयरन मैन अपने सूट्स की हेल्प से एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेजर्स निकाल सकता है, फ्लाई कर सकता है एंड डिफरेंट टाइप के वेपन्स को जनरेट कर सकता है। आयरन मैन ने यह बात खुद कही थी कि वो किसी भी टाइप के वेपन के बारे में जो सोचेगा एंड उसका सूट उसे वो बना के देगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को हरा दिया था तो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में कैप्टन अमेरिका के साथ मैंने म्योनिर को ऐड नहीं किया है। और अवेंजर्स एंडगेम आने तक आयरन मैन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, तो मुझे नहीं लगता कि उस आयरन मैन को सिंपल कैप हरा पाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को ऐसा लगता है कि विजन अपनी एंटी फेजिंग एबिलिटी से आयरन मैन को हरा सकता है उसके आर पार जाके एंड फिर अपनी बॉडी में वापस आके, तो वो लोग भी गलत हैं। टोनी एक जीनियस है एंड विजन के फंक्शंस भी अच्छी तरह जानता है, इसलिए उसको पता है कि उसके पास एंटी फेजिंग एबिलिटी है, तो उसने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा उसे रोकने के लिए, कोई बहुत पावरफुल सा आर्मर या समथिंग एल्स। ओवरऑल टोनी के पास आपको इस एंटी फेजिंग एबिलिटी का तोड़ शायद मिल जाएगा। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। तो कैरल को एक्सीडेंटली स्पेस स्टोन की हेल्प से पावर मिलती है एंड वो बनती है कैप्टन मार्वल। स्पेस स्टोन की हेल्प से ही वो स्पेस में सर्वाइव कर सकती है, इजीली फ्लाई कर सकती है एंड सांस ले सकती है। ऊपर से कैप्टन मार्वल फोटोन फिस्ट को यूज़ करती है, एनर्जी को मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब कैप्टन मार्वल के ऊपर किसी भी एनर्जी का कोई असर नहीं होने वाला, यानी अगर आपका कोई भी अटैक लगता है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। ये सब एबिलिटीज़ कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना एंड स्पीड को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। ऊपर से कैप्टन मार्वल के पास बाइनरी फॉर्म है, जहाँ पे तो उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैप्टन मार्वल ने अपनी बाइनरी फॉर्म में रॉनन की स्पेसशिप को तबाह कर दिया था एंड थैनोस की स्पेसशिप भी इसके आगे नहीं टिकी थी। ऊपर से थैनोस को पावर स्टोन की हेल्प की जरूरत पड़ी थी इसे दूर करने के लिए, वरना थैनोस इसे हिला भी नहीं पा रहा था। थैनोस का इतना पावरफुल हेड बर्ड इसके आगे कुछ नहीं था। तो अब हम फाइनली टॉप 3 पे पहुंच चुके हैं। नंबर 3 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक कमाल का डॉक्टर था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के बाद उसके हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है एंड वो हिलने लग पड़ते हैं। उसके हाथ ठीक नहीं होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बिगड़ गया होता है, इसलिए फाइनली वो काठमांडू जाता है एंड एंशिएंट वन से मिलता है। एंशिएंट वन ही होती जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज बनाया। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है, जिसकी वजह से ही उसके पास कमाल के स्पेल्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज डायमंड कंडक्ट एबिलिटी का यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पेल्स को जनरेट करने के लिए। क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरैक, विंडो ऑफ वेटूम, मिरर डायमेंशन, ये सब वही स्पेल्स हैं जो उन्होंने थैनोस के खिलाफ भी यूज़ किए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ट्रिंग मैजिक का यूज़ करते हैं एंड इस मैजिक को ईजिली प्रोटेक्टिव वे में भी यूज़ कर पाते हैं, प्रोटेक्टिव फील्ड जनरेट करके। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, जिससे ये कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मिरर डायमेंशन है, जिसमें अगर कोई भी फंस जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। तो यस, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कमाल की पावर्स हैं। नंबर 2, थॉर। तो थॉर एस्कार्डन गॉड ऑफ थंडर है एंड ये कितना पावरफुल है मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। थॉर के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन है, जिसकी हेल्प से ये किसी को भी लाइटनिंग ट्रैप में फंसा सकता है। ऊपर से इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि एस्कार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, जो कि बायफोर्स तक खोल देता है। बायफोर्स से पूरा प्लैनेट तक उड़ सकता है एंड ये आपको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक भी टेलीपोर्ट कर सकता है। बाकी थॉर के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा पता है। ऊपर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज से ऊपर नहीं हो सकता तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ पावरफुल होने की बात नहीं हो रही है, बैटल की भी बात हो रही है। इसीलिए अगर इनका बैटल होता है तो वहाँ पे थॉर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा पावर्स किसके पास है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि कभी थॉर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का बैटल हुआ तो उस बैटल को कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1, नन अदर देन द स्कारलेट विच। तो वांडा को भी माइंड स्टोन की हेल्प से उसकी पावर्स मिली, जिसकी वजह से उसके पास टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटीज आ गईं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि विजन के खोने के बाद उसकी ये पावर्स बहुत ज़्यादा एनहेंस्ड हो गई थी। वांडा ने खुद की एक रियलिटी बना ली थी, यानी उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, एक्स मैजिक पावर्स आ गई हैं। वांडा की एक और खास बात यह है कि वांडा कॉस्मोस में राज करने के लिए बनी है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इसने डार्क होल्ड को पढ़ लिया था एंड ड्रीम वॉकिंग तक सीख ली थी। ड्रीम वॉकिंग एक ऐसी मूव है जिसकी हेल्प से आप अपने ही वेरियंट को एक्सेस कर सकते हो, बट अलग मल्टीवर्स से। इसने अकेले ही थैनोस की बैंड बजा दी थी। वांडा ने एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा था तो दूसरे हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को संभाला था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी एलुमिनाटी से एक साथ फाइट किया है एंड सबको बीट किया है। प्रोफेसर एक्स को माइंड बैटल में हराया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर स्ट्रेंज को भी लगभग हराने वाली थी, लेकिन लास्ट में अमेरिका सैवेज ने इसे अलग जगह पहुंचा दिया। वांडा को अमेरिका सैवेज के पंचीज से भी कुछ नहीं हुआ था। वो अमेरिका सैवेज जो अपने एक ही पंच से पोर्टल खोल सकती है एंड उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है।
यानी कि वांडा की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो गई है एंड ये अपने साथ में शील्ड लेके चलती है, तो इसका मतलब साफ हुआ कि बैटल में भी थॉर एंड बाकी करेक्टर से इसके जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। एंड पावरफुल तो खैर ये सबसे है ही, केओस मैजिक सबसे पावरफुल मैजिक है, इवन एस्कार्डियन एंड एंड्रिक मैजिक से भी ज़्यादा पावरफुल। यानी कि 2022 के लास्ट में एक बात तो क्लियर है कि स्कारलेट भी सबसे पावरफुल एवेंजर है, लेकिन क्या 2023 एंड आगे आने वाले सालों में मार्वल के बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें हमें बहुत से अपग्रेड मिल सकते हैं हमारे सुपर हीरोज़ को लेके, एंड और भी बहुत पावरफुल सुपर हीरोज़ आ सकते हैं एमसीयू में, जो कि देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। लेकिन खैर आज का ये वीडियो तो बस इतना ही था, अब आपकी बारी है नीचे कमेंट करके बताने की कि आपकी पर्सनल लिस्ट क्या है, एंड अगर मुझसे वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, मुझसे इस वीडियो में कुछ भी मिस हो गया है तो कमेंट में जरूर शेयर कर देना। तो अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।